अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, आज का क्वेश्चन नंबर है 129। 129 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेंज ऑफ एन एमीटर, क्या बताना है, रेंज ऑफ एन एमीटर कैन बी, मतलब एक एमीटर का हम रेंज में, मतलब हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं सिर्फ कि उसको सिर्फ घटा सकें, डिक्रीज कर सकते हैं, या इंक्रीज या डिक्रीज दोनों कर सकते हैं, या इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, इस चार ऑप्शन में आप लगाना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन, तो हम देखते हैं क्या सॉल्यूशन में कि रेंज ऑफ एमीटर, तो एमीटर का पहले हम डायग्राम बनाते हैं, क्या बनाते हैं, उसी से सब कुछ क्लियर होगा। तो एमीटर का डायग्राम कैसे बनता है, एक गैल्वेनोमीटर होता है, और गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में क्या करते हैं, एक शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं, यही ना। तो ये आपका हो गया शंट रेजिस्टेंस, और यहाँ पर एक करंट मान लीजिए आई फ्लो हो रहा है, तो ये मान लेते हैं गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस RG। तो जो एमीटर का रेंज है, पढ़े होगे कि शंट रेजिस्टेंस लगाने से, ये जो शंट रेजिस्टेंस लगाए इसके पैरेलल में, तो कोई भी जब रेजिस्टेंस जैसे RG पैरेलल है शंट रेजिस्टेंस के, इन कैसे है, पैरेलल है, इन पैरेलल RG पैरेलल है शंट रेजिस्टेंस के, तो पैरेलल कम्बिनेशन में अगर R इक्विवेलेंट देखा जाए, R इक्विवेलेंट देखेंगे तो RG गुना में S बाय RG प्लस S होता है, ये होगा। तो कहने का मतलब है कि जब दो रेजिस्टेंस हमारा पैरेलल कनेक्शन में होता है, तो जो R इक्विवेलेंट होता है उसका मान क्या होता है कि और क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। आर इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, इन पैरेलल कम्बिनेशन में दो रेजिस्टेंस का, आर इक्विवेलेंट का जो नेट रेजिस्टेंस होता है, इसको हम बोल सकते हैं कि नेट रेजिस्टेंस। तो ये नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाता है ऑफ सर्किट, और डिक्रीज हो जाता है, और क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, क्यों होता है, तो ड्यू टू शंट रेजिस्टेंस, ड्यू टू शंट रेजिस्टेंस जो एस है हमारा। तो हम जानते हैं कि जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्शन में हो, तो जब उस दोनों रेजिस्टेंस का आर इक्विवेलेंट निकलता है, तो वो और क्या हो जाता है, पूरा जो सर्किट रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, पूरा डिक्रीज कर जाता है शंट रेजिस्टेंस के कारण एमीटर का। जब डिक्रीज कर जाएगा, इसके रिजल्ट के रूप में क्या देख सकते हैं, रिजल्ट के रूप में देखेंगे कि जब पूरा सर्किट का रेजिस्टेंस हमारा लो हो जाएगा, तो हमारा देखेंगे कि कैपेबिलिटी जो है ऑफ करंट, कैपेबिलिटी ऑफ करंट मेजर्ड बाय एमीटर, तो कैपेबिलिटी जो है करंट का मेजर करने का, किसका, एमीटर का जो करंट मेजर करने का जो कैपेबिलिटी है, वो क्या और हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका इंक्रीज, वो क्या हो जाएगा और इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमारा इस शंट रेजिस्टेंस के कारण क्या हो रहा है, पूरा सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो लो हो जाता है। लो होने के कारण सर्किट का कैपेबिलिटी क्या होता है कि सर्किट में करंट क्या होता है, सर्किट में करंट क्या होता है, बढ़ जाता है। तो सर्किट बढ़ जाएगा तो एमीटर का कैपेबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा करंट को मापने के लिए, ठीक है। तो सिर्फ हम शंट रेजिस्टेंस से क्या कर सकते हैं, सिर्फ करंट को बढ़ा सकते सर्किट में, घटा नहीं सकते, इसलिए रेंज जो होगा एमीटर का वो हमेशा क्या करेगा, वो करंट मेजर करता है, तो सिर्फ बढ़ेगा ना कि घटेगा, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, चलिए समझ में आएगा। तो समझ में आएगा कि इसका डायग्राम का बनावट ही ऐसा है कि शंट रेजिस्टेंस लगने से आर इक्विवेलेंट जो सर्किट का वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, जिसके कारण सर्किट करंट क्या होगा, बढ़ जाएगा, और करंट मेजर करता है एमीटर, तो एमीटर का जो है कैपेबिलिटी क्या हो जाएगा, करंट मेजर का बढ़ जाएगा, तो ओनली इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज तो कर ही नहीं सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ गए हैं 130 पर। तो 130 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है,
तो 130 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि टू वायर आर ऑफ इक्वल लेंथ, यहाँ पर हमको दो वायर है, दो वायर का लेंथ कैसा है, इक्वल है, वन इज बेंड इनटू स्क्वायर लूप एंड द अदर इनटू सर्कुलर लूप। तो दो वायर है, एक वायर को सर्कुलर रूप में बेंड करा जा रहा है, मोड़ा जा रहा है, और दूसरे को स्क्वायर लूप में बेंड किया जा रहा है। तो दे आर सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अब फिर दोनों को सस्पेंड कहाँ किया जा रहा है, लटकाया जा रहा है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। देन द सेम करेंट इज पास थ्रू देम, और दोनों में से करंट कितना पास करवा रहे हैं, सेम करंट पास करवा रहे हैं। द टॉर्क विल बी, द टॉर्क क्या होगा उसमें जनरेट, ये बताना है। तो क्या होगा तो देख लेते हैं इसको। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है कि मान लीजिए ये पहला वायर है, एक वायर हम लिए ये, तो ये पहला वायर है, इसका मान लेते हैं कि पूरा लंबाई कितना है, 2 पाई आर है, ठीक है, लेंथ क्या 2 पाई आर है इस वायर का। इसको कन्वर्ट, इसको बेंड किस में कर रहे हैं, इसको बेंड हम कर रहे हैं किस में, सर्कल में। तो सर्कल में बेंड करेंगे तो ऐसे होगा सर्कल में बेंड। जब सर्कल में बेंड करेंगे तो यहाँ से इसका क्या हो गया, ये 2 पाई आर बेंड हुआ, तो ये पूरा क्या होगा 2 पाई आर, ये यहाँ से हो गया, मतलब रेडियस जो भी माने स्मॉल आर मान लेते हैं, ये सेंटर हो, मतलब सर्कल को क्या किया, बेंड किए हैं, इस वायर को बेंड कर दिया हम किस में, सर्कल में। तो जिसका लेंथ तो वही होगा 2 पाई आर, ठीक है, और दूसरा जो वायर है, एक और वायर है जिसका लंबाई कितना है, 4a मान लेते हैं, जिसका लंबाई क्या है 4a, इसको बेंड कर रहे हैं किस में, इसको बेंड कर दे रहे हैं हम स्क्वायर में, ठीक है। जब इसको स्क्वायर में बेंड करेंगे कितना हो जाएगा, इसका साइड ए, तब ना 4a होगा लेंथ, तो इसमें कर दिए। तो अब इस सबको इस किस में रख रहे हैं, दोनों को सस्पेंड कर रहे हैं हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो यहाँ पर इसको सस्पेंड कर दिया किस में, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। जब हम इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड किए तो इस पे क्या होगा, इस पे एक टॉर्क जनरेट होगा, ठीक है, टॉर्क जनरेट होगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, टॉर्क का फॉर्मूला जानते हैं कि टॉर्क टाउ बराबर क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड, यही होता है। तो एम यहाँ पर क्या है, एम यहाँ पर आपका मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। तो टाउ बराबर फॉर्मूला बन जाता है एन आई ए बी साइन थीटा, ये बन जाता है टाउ का फॉर्मूला, ये आप पढ़े होंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि जब हम कांस्टेंट क्या ले रहे हैं, नंबर, ये एन है नंबर ऑफ टर्न्स, आई सेम करंट फ्लो हो रहा है, क्वेश्चन में बोला अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और यहाँ पर बी और साइन थीटा जो एंगल लग रहा है मैग्नेटिक मोमेंट और बी के बीच में, वो भी क्या है, एंगल कांस्टेंट है। तो एन आई साइन थीटा और यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए समान है, तो ये सब का मान किस में है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सब कांस्टेंट है। तो टाउ देखते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, सिर्फ एरिया का। जब टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सिर्फ एरिया का,
आप देखोगे कि यहाँ पर जब हम दोनों दो वायर को किस में चेंज कर रहे हैं, एक को सर्कल में और एक को सर्कल में कर रहे हैं, और एक को किस में कर रहे हैं, स्क्वायर में। तो आप जब भी देखोगे, जब हम करते हैं तो आप पढ़े होगे कि 4 सेम लेंथ, सेम लेंथ ले, कोई कितना भी कोई भी वायर ले लो और उससे कुछ भी आप किसी भी शेप में उसको बेंड करो, मतलब सेम वायर को, दो सेम वायर को किसी भी शेप में आप उसको बेंड करो, लेकिन एक चीज़ हम लोग कंसेप्ट जानते हैं कि फॉर सेम लेंथ एरिया ऑफ, जब हम किसी वायर को सर्कल में बेंड करते हैं तो द सेम लेंथ एरिया ऑफ सर्कल इज मैक्सिमम होता है, ऑलवेज मैक्सिमम होता है। जब आप किसी भी वायर को किसी भी लेंथ का, उसी लेंथ का फिर कोई दूसरा वायर लो, एक को सर्कल में बेंड करो, एक को स्क्वायर में करो, तो आप देखो कि सर्कल में जिस सेम लेंथ का जिसको आप बेंड करो उसका एरिया हमेशा क्या होगा, मैक्सिमम होगा, हमेशा क्या होगा, मैक्सिमम होता है। तो यहाँ से जब एरिया किसके लिए मैक्सिमम हो रहा है, सर्कल का एरिया मैक्सिमम हो रहा है, तो उसका क्या होगा, टॉर्क भी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर किसके, टाओ बराबर एरिया ऑफ स्क्वायर का कम है तो इसका टॉर्क भी क्या होगा, कम जनरेट होगा। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ से सर्कल का जो एरिया होता है वो ज़्यादा होता है, तो वहाँ उसमें टॉर्क भी ज़्यादा जनरेट होगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा राइट, इक्वल इन टू केसेस नहीं, मोर ऑन स्क्वायर नहीं, मोर ऑन सर्कुलर केसेस, मोर इन किस में हो जाएगा, सर्कुलर केसेस, आपका ऑप्शन ये वाला राइट हो जाएगा। एक कंसेप्ट है कि दो वायर सेम लेंथ का है लेकिन आप उसको सर्कल में जब भी हम बेंड करते हैं तो उसका एरिया किसी अदर शेप के तुलना में ज़्यादा निकलता है, ठीक है। तो जब एरिया ज़्यादा होगा तो टॉर्क भी उसमें ज़्यादा जनरेट होगा, क्योंकि हमको फॉर्मूला पता है इस फॉर्मूला से, ठीक है। तो आप लोग को ये समझ में आया होगा इस सवाल का जवाब, बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ गए हैं 131 पर, 131 क्वेश्चन में सोल्व करते हैं। बोलता है एक सर्कुलर लूप ऑफ एरिया 0.01 मीटर स्क्वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 10 एम्पियर इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 0.1 टेस्ला, द टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप इज। तो बताना है कि आपको एक क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन देखते हैं, मैं क्वेश्चन स्पीड में पढ़ दिया तो सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या है। एक सर्कुलर लूप है आपके पास, क्या आपके पास एक सर्कुलर लूप है, ठीक है। उसका सेंटर वो मान लेते हैं, उसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो सर्कुलर लूप है और सर्कुलर लूप का एरिया दिया हुआ आपको गिवन डाटा में, एरिया दिया हुआ कितना 0.01 मीटर स्क्वायर, और कैरिंग एक करंट, करंट कितना कैरी कर रहा है 10 एम्पियर, हेल्ड परपेंडिकुलर टू ए यूनिफॉर्म, और इसको कैसे रखा गया है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा गया, मैग्नेटिक फील्ड के कैसे रखा गया, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है तो इसको कैसे रखा गया है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा रखा गया है, ठीक है, इस सर्कुलर लूप को। जब मैग्नेटिक फील्ड रखा गया है सर्कुलर लूप को, तो देखते हैं कि वहाँ से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी थी, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड का मान भी दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है 0.1 टेस्ला, ठीक है। द टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप, तब बताना है कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड को, मतलब लूप को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रख रहे हैं, मतलब थीटा बराबर कितना रख रहे हैं, परपेंडिकुलर करने को 90 डिग्री रख रहे हैं, तो हमारा टॉर्क कितना होगा ये बताना है, ठीक है, न्यूटन मीटर में। तो सीधी बात है, यहाँ से देख रहे हैं कि ये आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और ये आपका सर्कुलर लूप है, और दोनों कैसे रखा गया सर्कुलर लूप को, 90 डिग्री में रखा गया है, ठीक है, 90 डिग्री में रखा गया, थीटा बराबर 90 डिग्री, तो इस पर कितना टॉर्क लगेगा। तो हम लोग फॉर्मूला, हम लोग कंसेप्ट पढ़े हुए हैं कि व्हेन द कॉइल
इज एट एन एंगल टू फील्ड। क्या बोला कि व्हेन द कॉइल इज एट एन एंगल टू फील्ड, जब किसी भी कॉइल को किसी एंगल पर रखा जाता है किसके फील्ड में, मतलब किसी कॉइल को कुछ एंगल पर रखा जाता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें फॉर्मूला क्या बनता है, वी नो डेट, तब फॉर्मूला बनता है हमारा कौन सा कि टॉर्क बराबर, टॉर्क का फॉर्मूला बनता है बी आई एन ए कॉस थीटा बनता है, यही बनता है हमारा। ये महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्या महत्वपूर्ण है ये वाला कि जब हम किसी भी कॉइल को जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में कुछ एंगल पर रखते हैं तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, बी आई एन ए कॉस थीटा होता है, ठीक है। अगर वही हम किसी कॉइल को एंगल पे ना रखते, अगर पैरेलल रखते फील्ड में, तो यहाँ कॉस की जगह कौन होता है, साइन थीटा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जानने के लिए, यहाँ हम कुछ एंगल पे रख रहे हैं इसलिए यहाँ कॉस की जगह साइन की जगह कौन आया, कॉस आएगा, ठीक है। ये आपको समझना है, अगर ये समझ रहे हैं तो बस इस फॉर्मूला पर इसको मान रखना है। तो मान रखने के लिए चलते हैं, आपके पास गिवन है थीटा का मान, तो गिवन है 90 डिग्री, टॉर्क पूछा है, तो टॉर्क बराबर बी आई एन ए कॉस थीटा, तो टॉर्क का बी का मान तो दिया हुआ है 0.1 गुना, आई का मान दिया हुआ है 10 एम्पियर गुना, एन नंबर ऑफ टर्न नहीं दिया हुआ है गुना, एरिया दिया हुआ है 0.01 गुना, कॉस 90 मान है, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ से इसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि कॉस 90 का मान कितना होता है, 0 डिग्री। तो ये कितना हो गया, 0 पुट करेंगे तो हमारा टॉर्क क्या हो जाएगा, इस 0 के कारण पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 न्यूटन पर मीटर, यही होगा 0 न्यूटन मीटर। तो हमारा टॉर्क कब, जब हम किसी भी सर्कुलर लूप को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में रख रहे हैं तो हमारा इस पे जो लूप पे टॉर्क लगना चाहिए ये मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, वो कितना लग रहा है, 0 न्यूटन मीटर। कितना लगता है टॉर्क, 0 लगता है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4, 0 न्यूटन लगेगा। समझ में आया होगा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अगर वीडियो फ्रेंड अच्छा लगता है आप लोग को, आप अगर मेरे चैनल पर न्यू हो फ्रेंड्स, तो अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा भी वीडियो बनाने में मेहनत करता हूँ तो आप प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं। बस इतना ही आपसे बोलना था, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पढ़ गए, 132 नंबर पर। तो 132 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कॉयल कैरिंग करंट, एक कॉयल क्या है, कैरी किया हुआ है करंट, इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और कॉयल को कहाँ रख दिए हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए हैं। मतलब एक कॉयल है जो जो करंट कैरी किया हुआ है और उसको हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दे रहे हैं, तो जिसके कारण क्या चेंज होगा वो देखना है हमको। तो देखते हैं क्या होता है इसका, तो सॉल्यूशन क्या है इसका, सॉल्यूशन है आपका कि देखिए मैं क्या करता हूँ, कॉइल लिया, ठीक है, उस कॉइल को मैग्नेटिक, इसमें कुछ करंट फ्लो हो रहा है मान लेते हैं, इस डायरेक्शन से डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, तो ये करंट है और इसमें हम इसको हम रख रहे हैं कहाँ, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को हम मान लेते हैं कि किस तरह किस डायरेक्शन में है, इनवर्ड डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हमारा, इनवर्ड डायरेक्शन, मतलब क्रॉस का मतलब क्या हो गया, किस डायरेक्शन में है, अंदर की ओर, इनवर्ड डायरेक्शन में हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, कैसे लिए हैं, अंदर की ओर। तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड अंदर के लिए और लिए हैं तो यहाँ पर हम अगर अप्लाई करें, अप्लाई राइट हैंड रूल, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में ले और करंट ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, तो इस यहाँ पर अगर हम फोर्स निकालना चाहते हैं कि इस करंट के द्वारा जो हमारा
मैग्नेटिक फील्ड और करंट के कारण जो फोर्स क्रिएट हो रहा है, तो आप देखोगे कि यहाँ फोर्स किस डायरेक्शन में क्रिएट होगा। जब अप्लाई करोगे आप अप्लाई राइट हैंड रूल, तो फोर्स देखोगे कुछ इस डायरेक्शन में अप्लाई होगा, क्या होगा, इस डायरेक्शन में अप्लाई होगा, ठीक है। और जब इस पे देखोगे तो यहाँ पर फोर्स क्या होगा, इस डायरेक्शन में अप्लाई होगा। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड और करंट का क्या दोनों पैरेलल है, यहाँ फोर्स क्या हो जाएगा, मतलब इस डायरेक्शन के लिए फोर्स क्या हो जाएगा हमारा, जीरो। और फिर यहाँ के लिए देखोगे यहाँ भी फोर्स का मान कितना होगा, जीरो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और करंट का डायरेक्शन क्या हो गया है, मतलब दोनों पैरेलल डायरेक्शन में आ गए, पैरेलल आ गए, इसीलिए यहाँ पर फोर्स मान जीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात है, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों फोर्स क्या लग रहे हैं, अब इन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा इस कारण से फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन में, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर भी तब हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट। तो इससे आप कह सकते हो कि देयरफोर देयर विल बी नो चेंज इन फ्लक्स। तो यहाँ पर जब मैग्नेटिक फील्ड ही हमारा कांस्टेंट हो गया, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर कोई भी यहाँ पर चेंज नहीं होगा, किस में, फ्लक्स में। तो देयरफोर नो इंड्यूस्ड, यहाँ पर इसलिए हमारा कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा। लेकिन एक बात तो है, एक बात दूसरा अब क्या है कि कॉयल में करंट तो है, फ्लो तो हो रहा है। तो जब करंट फ्लो होता है किसी कॉयल में, हम जानते हैं कि कोई भी वायर हो या कोई भी कॉयल हो, उसमें हमारा करंट फ्लो हो रहा होता है, तो उसमें हमारा एक तो चीज़ डेवलप होता ही है। वो क्या चीज़ डेवलप होता है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि करंट कैरिंग कॉयल हैज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। जब कोई भी करंट कैरिंग वायर होता है तो उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तो होता ही होता है, ये बहुत ज़रूरी बात है। जब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है करंट में, तो इसका मतलब वहाँ पर क्या होगा, टॉर्क जनरेट होगा, ठीक है। तो टॉर्क जनरेट होगा तो क्या हो जाएगा, एम बी एक्ट ऑन हीट इन मैग्नेटिक फील्ड। तो जब कोई करंट कैरिंग वायर को, उसमें मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा जा रहा है, तो वहाँ पर हमारा बी हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो जाने के कारण क्या हो रहा है कि उस पर कोई इफेक्ट, कोई फ्लक्स इंड्यूस नहीं हो रहा है। लेकिन जब करंट कैरिंग वायर है तो उसमें क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, क्या होता है हमारा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तो होगा, जिसके कारण क्या होगा, हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होने के कारण उसमें टॉर्क जनरेट होगा। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1, टॉर्क एक्ट ऑन द कॉयल, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा इसका सवाल का जवाब। चलिए और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर कि एक चार्ज मूविंग विथ ए वेलोसिटी वी इन एक्स डायरेक्शन, मतलब एक चार्ज जो है वो मूव कर रहा है वेलोसिटी वी से किस डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में। ही सब्जेक्टेड टू ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी बी इन द नेगेटिव डायरेक्शन, और उस मैग्नेटिक फील्ड जो रखा जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज मूविंग पार्टिकल के लिए किस डायरेक्शन में लग रहा है, बी नेगेटिव डायरेक्शन में ऑफ एक्स एक्सिस के। एज ए रिजल्ट द चार्ज विल बी, तो बताना है कि रिजल्ट में चार्ज पे क्या रिजल्ट, इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो देख लेते हैं क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए सॉल्यूशन,
ठीक है। सॉल्यूशन क्या है इसके लिए, कि बोल रहा है कि एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा कोई चार्ज पार्टिकल है और वो ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के इस तरफ इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, पॉजिटिव एक्स के पॉजिटिव एक्सिस के तरफ, ठीक है। और जब इसी चार्ज में जो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, वो इसके एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है। जो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है वो एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब इधर, ठीक है। तो इस कारण से देख रहे हैं कि यहाँ पर कितना डिग्री बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है थीटा बराबर। तो 180 डिग्री बन रहा है थीटा बराबर, तो हम लोग वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि क्या एफ बराबर क्यू वी क्रॉस वी होता है। तो एफ बराबर क्या होगा, क्यू वी साइन थीटा। तो एफ बराबर क्यू वी साइन 180, और साइन 180 का मान कितना होता है सबको पता होगा, 0 डिग्री। तो यहाँ क्यू वी यहाँ क्या हो जाएगा, 0 डिग्री इंटू में हो जाएगा, तो यहाँ से पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो देखेंगे कि जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में हो और उस पर जो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है वो चार्ज के एक्स डायरेक्शन के नेगेटिव डायरेक्शन में हो, तो उस पर कितना फोर्स क्रिएट होगा, प्रोड्यूस होगा 0 न्यूटन का, ठीक है। तो 0 न्यूटन प्रोड्यूस होगा, तो हमारा वो चार्ज पार्टिकल पे इसका मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, किसके द्वारा, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड, रिमेन अनअफेक्टेड। देखिए दोस्तों, मैं जब बोलता हूँ कुछ तो आप मेरी बातों को भी ध्यान से सुनिए, क्योंकि हर चीज़ लिखना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं बहुत चीज़ बात वर्ड से बोलता हूँ, तो उसको भी ध्यान से सुना करिए। प्रॉब्लम में मतलब सॉल्यूशन करने में वो भी बातें मेरी ज़रूरी होती है, कि हर बात को लिखना बोर्ड पर संभव नहीं है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर करते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग आ गए हैं 134 में, 134। तो ये तो आपका एमसीक्यू टाइप का है, तो एमसीक्यू टाइप ये मेमोरीज टाइप का होता है याद रखने का, तो इसको कर लेंगे। तो ए मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस बाय, जानते हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे होता है, तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है करंट कैरिंग कंडक्टर से, उसको आप मूविंग चार्ज करके भी कर सकते हो, चार्ज को इधर उधर मूव करके भी कर सकते हो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस। फिर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी चेंज करके आप मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हो। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ एबव, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। मतलब सब सब कारण, सब ऑप्शन से हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 135 पर। तो 135 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रो मैग्नेट, स्ट्रेंथ किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेट का, इज डिटरमाइंड बाय, कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट कहने का मतलब क्या है, इसका सोलेनॉइड सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ना। तो सोलेनॉइड बनाने के लिए क्या होता है, कोर लेते हैं, कोर पे क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्न वाइंडिंग वाउंड करते हैं और उसमें कुछ करंट फ्लो करवाते हैं। तो सोलेनॉइड में देखते हैं कि जरूरी क्या है, इलेक्ट्रो ये बन गया क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट का एक एग्जाम्पल हो गया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए क्या क्या जरूरी था, करंट जरूरी हो रहा है, करंट एंड नंबर ऑफ टर्न्स पे ये डिपेंड करता है, सही बात, शेप एंड साइज पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, कोर मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव, ठीक है। तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ जो है सब चीज़ पे डिपेंड करता है, करंट पे, नंबर ऑफ टर्न्स पे, शेप एंड साइज पे, कोर मटेरियल्स पे। तो आपका ऑप्शन ऑल ऑफ, ऑप्शन 4 हो गया, ऑल ऑफ द एबव सारा हो गया। तो आज क्या होता है दोस्तों,